जय श्री राम, जय जय सीताराम, जय बजरंगबली। प्यारे भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संकट मोचन हनुमान जी महाराज की एक ऐसी महाशक्तिशाली चौपाई जिसका जप करने मात्र से तो लाभ मिलता ही है। यहाँ तक कि इस महाशक्तिशाली चौपाई को सुनने से व्यक्ति के जीवन की हर छोटी बड़ी परेशानी सदा सदा के लिए दूर हो जाती है। प्यारे भक्तों, इस महाशक्तिशाली चौपाई को सुनने मात्र से आपकी मनचाही मनोकामना पूर्ण होगी। प्यारे भक्तों, इस कलयुग में जिसकी पूजा आराधना से सबसे जल्दी फल मिलता है वह है संकट मोचन हनुमान जी महाराज। कलयुग में अगर हनुमान जी महाराज की सच्चे मन से पूजा आराधना की जाए तो अन्य देवताओं की तुलना में सबसे जल्दी अपना असर दिखाती है। प्यारे भक्तों, अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, कोई काम पूरा नहीं हो रहा है, हर काम में रोड़ा लग जाता है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, गरीबी आदि से परेशान हैं, तो प्यारे भक्तों, इस महाशक्तिशाली चौपाई का जप आपको अवश्य करना चाहिए। इस चौपाई को मात्र मुख में लाने भर से इसका प्रभाव देखने को मिलता है। प्यारे भक्तों, अगर आपके जीवन में कठिनाई बहुत ज्यादा है, परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, रोग बीमारी से ग्रस्त हैं, किसी काम में सफलता नहीं मिल रही है, पैसा घर में नहीं टिकता है, तो प्यारे भक्तों, संकट मोचन हनुमान जी महाराज को सच्चे दिल से याद करके मन ही मन इस चौपाई को बोल देना, आपके जीवन की हर परेशानी से सदा सदा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। प्यारे भक्तों, आइए जानते हैं संकट मोचन हनुमान जी महाराज की इस महाशक्तिशाली चौपाई के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं संकट मोचन हनुमान जी महाराज की कृपा सदा आप पर बनी रहे, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक अवश्य करें और आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द एमएस वाइज को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। प्यारे भक्तों, इस महाशक्तिशाली चौपाई को अच्छे से सुनकर कहीं पर नोट भी कर लीजिए, ताकि आगे जब कभी भी जरूरत हो तो आपको बार बार वीडियो देखना ना पड़े। प्यारे भक्तों, चौपाई है सुनहि विमुक्त विरत अरु विबई, लहाई भगत गति संपत नई। प्यारे भक्तों, इस महाशक्तिशाली चौपाई को किसी भी समय केवल पढ़ या सुन लेने से आपके जीवन के सभी संकट दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। प्यारे भक्तों, आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द एमएस वाइफ को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।